तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 2000 सब्सक्राइबर्स एंड आज मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम लेके आ चुका हूँ Q&A वीडियो। लिटरली भाई मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम Q&A करने वाला हूँ। एंड गाइज आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो अभी से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना एंड लेट्स गो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं Q&A का। सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है अंडररेटेड राज की ओर से। भाई इन्होंने लिटरली बहुत ही जल्दी कमेंट कर लिया था, लगता है मेरे वीडियो का ही वेट कर रहे थे, पर चलो कोई ना। अबे साले, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 2K सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू राज भाई, एंड पार्टी कब दे रहे हो आप? वैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 10K सब्सक्राइबर्स एंड उसी चीज की मैं पार्टी मांग रहा हूँ। अबे साले, वैसे उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अपनी यूट्यूब जर्नी बताओ। वैसे यूट्यूब के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, पर आज से 4 या फिर 5 साल पहले ही मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला था कि कोई ऐसी ऐप भी होती है। एंड हाँ, तभी 5 साल पहले मुझे मेरे भाई ने यूट्यूब के बारे में बताया था, लाइक ऐसे यूट्यूब में वीडियोज वगैरह भी डालने रहते हैं एंड पैसा भी मिलता है, वो भी मुझे नहीं पता था। मेरे भाई ने ये सब कुछ बताया था मुझे, और हाँ उसके बाद ही मुझे यूट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आया था। एंड उसके 1 साल बाद ही मैंने अपना फर्स्ट चैनल क्रिएट किया था। एंड हाँ, मैंने अपना फर्स्ट चैनल अपनी मम्मी के फोन में ही बनाया था। 1.5K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने तक मैंने अपनी मम्मी के फोन से ही वीडियोस वगैरह डाले थे। तो अगर मेरी मम्मी मुझे फोन नहीं देती तो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाता एंड मैं इधर तक भी नहीं आ पाता भाई। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो मम्मी को जाता है एंड आप लोगों को भी बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाता है। आई थिंक इतना बहुत ही सही रहेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका सेकंड क्वेश्चन है कि ओवरथिंकिंग करना कैसे कम करे। भाई इस चीज का तो एक ही सॉल्यूशन है, खाना पीना खाओ एंड सो जाओ। देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है जिस बात पर हमें ओवरथिंकिंग हो रहा है। कभी कभी हम लोग फुकट में ही ओवरथिंकिंग करते हैं, तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। इस चीज को इग्नोर करके हमें खुश रहना चाहिए एंड मेरे वीडियोस देखने चाहिए आपको। बस इतना ही क्वेश्चंस है, बाकी सब तो मुझे पता ही है। वाह भाई ये कब हुआ? लव फ्रॉम यूपी, लव फ्रॉम गुजरात ब्रो, बाकी पार्टी भूलना मत। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोएफएक्स भाई ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तो थैंक यू भाई। तो इनका क्वेश्चन ये है कि लोगों के साथ स्कैम कैसे करे। देखो मुझे लोगों के साथ स्कैम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या ही आंसर दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर ब्रो आप एक मूवी देख सकते हो, हर्षद मेहता की है, स्कैम 1992 शायद वही है। बस ये तो इनके क्वेश्चन का ट्रेलर था, अभी तो और 12 क्वेश्चन बाकी है भाई। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कहाँ रहते हो, तो मैं घर में रहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है क्या करते हो, तो वीडियोस बनाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है फेवरेट सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग ये है। नहीं नहीं सच बात बताऊँ तो मेरे 2 फेवरेट सॉन्ग है, एक सिंचन वाला एंड एक डोरेमोन वाला, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। फेवरेट मूवी, तो अभी तक की मेरी फेवरेट मूवी रही है अवेंजर्स एंड गेम। फेवरेट फूड, तो वो है आलू पूरी एंड वड़ा पाव, किसी को बताना मत भाई, मस्ती कर रहा हूँ। फेवरेट जाने दो, घर का खाना मेरे लिए सबसे बेस्ट है। फेवरेट फ्रूट, तो बनाना। अर्निंग का क्या बताऊँ भाई, आप जाने ही दो। अर्निंग इतना कम होता है ना कि आप डेली का सिर्फ 5 स्टार ही खा सकते हो, मतलब कि महीने में 30 दिन है तो आप लोग 30 5-स्टार खा सकते हो, बस इतना ही है। 2K स्पेशल सरप्राइज, तो सरप्राइज तो मैं क्या ही दे सकता हूँ। सरप्राइज में तो शायद मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एंड एक हार्डकोर में तो सरप्राइज आने वाला है, वो आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने रील्स वगैरह डाला है जो कि आप लोग देख सकते हो, वो सरप्राइज से कम नहीं है। वही तो है वीडियोस लेट आने का रीजन। खाओ माँ का सब। कॉलेप करोगे तो कॉलेप का तो मैं क्या ही बताऊँ, आपको तो पता ही है मेरा टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है एंड मेरे यहाँ से बहुत ही ज्यादा नॉइज भी आता है, तो मैं नहीं कर पाता। बाकी कभी मेरा फ्यूचर में सेटअप वगैरह रेडी होता है तो मैं कॉलेप वगैरह जरूर से करूंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ BCA, मतलब कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें आता है वेबसाइट या फिर ऐप बनाने का तरीका, लाइक कोडिंग वगैरह तो आपको पता ही होगा, वही कर रहा हूँ मैं। गलत हैबिट, तो मेरे ख्याल से मेरी सिर्फ एक ही गलत हैबिट है जो कि मैं अभी के टाइम पर टाइम पास बहुत ही ज्यादा करता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा। और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि बस बाकी कभी और, तो ठीक है भाई ये सही किया आपने। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है लोनली पब्लिक की ओर से, और उन्होंने मुझे पूछा है कि भाई फेस रिवील कब करोगे। देखो मेरा फेस रिवील का एक ही प्लान है, जब तक मेरे सारे वीडियोस पर 100K व्यूज नहीं आने लगते तब तक मैं फेस रिवील नहीं करने वाला। एंड सारे वीडियोस पर 100K या फिर उससे ज्यादा व्यूज आएंगे कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। PC कब, तो भाई थोड़े पैसे भेज दो मैं PC ला दूंगा, बस 1-2 लाख रुपए चाहिए फिर मेरा PC भी आ जाएगा, तो भेज देना प्लीज। कुछ तरीका है भीख मांगने का। माइनक्राफ्ट कब खरीदोगे, तो उसका भी एक ही आंसर है, जब मेरे पास PC आएगा ब्रो, फिर माइनक्राफ्ट क्या GTA 6 भी खरीद देंगे। YouTube से कितना कमाए हो, तो उसका आंसर तो मैंने दे दिया है, मतलब कि दिन का कितना कमाता हूँ वो मैंने आपको बता दिया है, पर अभी टोटल पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। टोटल इतना है कि मैं अच्छी वाली वॉच खरीद सकता हूँ मेरे हिसाब से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है ऐसे तैसे गेमर्स की ओर से। उन्होंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो 2K सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू भाई, वैसे विंग्स होते हुए भी 2K पहुंचने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया।
हाँ भाई वो तो है, बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, पर चलो कोई ना, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देने वाले क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा है, मैं नहीं पढ़ने वाला, तो इसका एक ही आंसर है कि जो आपके घर में लगेगा वो मेरे घर में भी लगेगा। बेस्ट आंसर। किसी रावण ने आपका एक विंग तो नहीं काट दिया, बिकॉज आप हर जगह ही लेट हो जाते हो। हाँ भाई जैसे कि इस वीडियो को देख लो, सच बात है वैसे। इसी बात पे जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मजाक से हटके इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको YT के बारे में सबसे पहले कब पता लगा। तो मुझे YT के बारे में 5 साल पहले पता लगा था, जो कि मुझे मेरे भाई ने बताया था। आपकी कोई क्रश है नेम? अरे भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे तो उसने नाम बताने से मना किया था, पर मैं आपको बता देता हूँ, किसी को बताना मत प्लीज। उसका नेम है पॉर्शे 911 GT3 RS। नेम तो सुना ही होगा। सिग्मा मोमेंट हुआ है कभी? तो हाँ भाई आज ही कॉलेज में हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। आज हमारी क्लास में हमसे 1 साल बड़े बच्चे आए थे, एंड इस साल हम लोग फर्स्ट टाइम कॉलेज में आ चुके हैं, तो वो लोग हमारे लिए पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एंड वो लोग कहते हैं कि पार्टी के साथ हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया है, तो किसी को पार्टिसिपेट करना है तो हमें बता सकता है। तो मैंने उन लोगों को क्वेश्चन पूछा कि क्या इसमें स्टैंड अप कॉमेडी का ऑप्शन है कि नहीं। फिर क्या भाई, थोड़ी बहुत देर डिस्कस करने के बाद उन लोगों ने मेरा नेम ही लिख दिया, और आगे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। मेरे मना करने के बाद भी उन लोगों ने नेम लिख दिया। भाई अभी मतलब मुझे कॉम्पिटिशन में भी भाग लेना होगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर सिग्मा मोमेंट कहाँ हुआ, तो सिग्मा जाने दो, यहाँ पर मेरा पोपट हो चुका है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई, कुछ फ्रेंड्स और आप सारे लोग। एंड और तो मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा बहुत जीपे वगैरह भेज देना। एंड हाँ लव यू ऑल गाइस, ऐसे तैसे गेमर्स को सब्सक्राइब कर रखा है। अरे भाई आप कौन? 2K पर घर में पार्टी मनाई थी क्या? अरे ब्रो क्या बताऊँ, पार्टी मनाता तो मैं सबको बुलाता, पर मैंने मनाई ही नहीं ना। मेरे गाँव कब आ रहे हो? अभी तो वैकेशन खत्म हो चुका है, पर चलो कोई ना, आप टिकट भेज देना मैं आ जाऊंगा। थक गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 100K पर पूछता हूँ। शायद 100K से पहले भी 1-2 QA आ सकते हैं, तो तभी मिलते हैं हम लोग। आपका नल्ला बेरोजगार फैन राजेंद्र मीना, ऐसी तैसी गेमर्स। अरे भाई मैं आपका फैन हूँ, बिग फैन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है आयुष कोकोनी की तरफ से, एंड उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी परसेंटेज इन 12th। तो अभी तो मैं 10th या फिर 12th के परसेंटेज रिवील नहीं करने वाला था, पर इन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उनको एवरेज दे देता हूँ। लाइक मेरे परसेंटेज 65-75 के बीच में ही आए हैं, तो आप लोग ज्यादा गैस मत करना। बाकी मेरे 10th या फिर 12th के परसेंटेज इसके अंदर ही है, तो आप लोग गैस कर सकते हो। तो लेट्स गो, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है जो हमारे वीडियोस पर रेगुलर कमेंट करते हैं। उनका फर्स्ट क्वेश्चन है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? अरे ब्रो क्या बताऊँ, वो चॉकलेट इतनी अच्छी लगती है ना, तो उसको एक बार ही खाने के बाद मैं भूल ही जाता हूँ कि वो इतनी चॉकलेटी क्यों है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करो अभी के अभी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है फैन ऑफ स्मार्टी विंग्स की ओर से, एंड इनके बारे में तो भाई क्या ही बोलूं। तो सबसे पहले बिग शाउट आउट टू फैन ऑफ स्मार्टी विंग्स, इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने इस चैनल का नेम रखा है, बट इसलिए क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो देखा था, वो टॉप 5 गेम्स वाला। बट उनको ये वाला वीडियो इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने नेम ही रख लिया अपने चैनल का। बाकी थैंक यू सो मच ब्रो, एंड लेट्स गो इनके अभी क्वेश्चन देखते हैं। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रो आपकी GF है? क्या बताओ ब्रो, क्लास में जो फ्रेंड होती है वो भी बात नहीं करती, तो जाने दो। सच बताओ तो क्लास में ऐसा कोई नहीं, सारे लोग नॉर्मली फ्रेंड ही है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कितने साल के हो? तो अभी हूँ मैं 17 साल का, एंड थोड़े महीनों में मैं 18 साल का भी होने वाला हूँ। अगेन ब्रो नेम रखने के लिए थैंक यू, एंड लेट्स गो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है ROG वॉरियर की तरफ से, एंड उन्होंने लिटरली भाई 42 क्वेश्चन पूछे हैं, तो मुझे स्पीड में आंसर करना होगा, वैसे भी वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। लेट्स गो, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर रियल नेम? तो मेरा नेम है विशाल जोशी। आप किधर रहते हो? तो ये क्वेश्चन प्रोफेक्स ने भी पूछा था, तो मैं अभी सही आंसर दे देता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ। आपके कितने बच्चे है? अरे ब्रो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, क्या आप YT पर परमानेंट रहोगे? अभी तो मेरा आंसर यस है, पर मुझे भी नहीं पता फ्यूचर में जिस टाइप से सपोर्ट मिलेगा उस टाइप से डिसाइड होगा, बाकी मेरा तो यस ही है। आपका फेवरेट एनिमे? फेवरेट जाने दो, मैं एनिमे ही कहाँ देखता हूँ ब्रो। आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर? नहीं देखता ब्रो, पर मैंने सिर्फ एक नारुतो देख रखा है, वैसे बोल देता हूँ मैं, वो ही एक एनिमे देखा है, वो भी आधा अधूरा। आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं ब्रो, मैंने थोड़े दिन पहले ही निकाल दिया था, उसमें मैंने शुगर ऐड किया है। आप भी एक बार ही ट्राई कर सकते हो भाई, कोई ट्राई मत करना, मस्ती कर रहा हूँ। GF है आपकी? अभी नहीं चाहिए ब्रो। आप मुझे जानते हो? आप कौन भाई? शायद आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, सब्सक्राइब कर दो। अच्छा आप तो ROG वॉरियर हो, मैं आपको जानता हूँ ब्रो। आपका इंस्पेक्शन या फिर इंस्पिरेशन ब्रो? शायद आपने मेरा चैनल अच्छे से नहीं देखा है, आप मेरा चैनल देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे एडिट बनाए ना मैंने। टेक्नो गेमर्स, घर में सबसे ज्यादा किससे डरते हो? तो किसी से नहीं, क्योंकि सब लोग प्यार से ही रहते हैं। यूट्यूब चैनल का नेम क्या सोच कर रखा? तो भाई वो बहुत ही लंबा स्टोरी है, तो मैं आपको किसी और दिन बता दूंगा। 2K सब्सक्राइबर पर कितने खुश थे? तो जितना मैं 1K पर था उससे थोड़ा बहुत कम। 1K पर तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। यूट्यूब से कितना अर्न हुआ वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? तो वैसे तो गेमर के लिए सारे गेम ही फेवरेट होते हैं, पर आप अभी माइनक्राफ्ट समझ सकते हो क्योंकि मैं ज्यादा खेलता हूँ ना वो। आप कुछ और काम करते हो? नहीं भाई मैं यूट्यूब के अलावा तो घर पर कुछ भी नहीं करता, एंड पढ़ाई
वगैरह चल रहा है तो कॉलेज जाना पड़ता है, वही कितने क्लास में हो। तो इसी साल मैंने अपना 12th कंप्लीट किया है एंड अभी मैं आ चुका हूँ फर्स्ट ईयर कॉलेज में। क्रश है, ऐसे तैसे गेमर्स के क्वेश्चन में मैंने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप जाने दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। आपका यूट्यूब जर्नी बताओ, तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया। फैमिली सपोर्ट करती है? हाँ, मुझे घर पर तो सपोर्ट कर देते हैं पर पढ़ाई वगैरह भी जरूरी है, ऐसा बोला है। कौन सा डिवाइस है आपके पास? तो मेरे पास है Vivo T3X5G एंड मेरे पास सिर्फ मोबाइल ही है, तो PC एंड लैपटॉप वगैरह मत पूछना। माइनक्राफ्ट कब से खेल रहे हो? तो जब से मैंने यूट्यूब के बारे में जाना है तभी से मैंने माइनक्राफ्ट भी खेलना स्टार्ट किया था। लाइक भाई आप 5 ईयर्स समझ सकते हो। इन फ्यूचर किसी और टाइप के चैनल ओपन करोगे? हाँ ब्रो, वो तो पक्का ही है, क्या ही बोलूं इसके बारे में मैं आगे। शादी करोगे या फिर नहीं? पहले जो क्रश का नेम लिया है वो आ जाए फिर। चाय स्लैश ड्रिंक? दोनों ही नहीं भाई, मैं कॉफी वाला हूँ। आपके इधर गर्मी है कि ठंडा? अरे 2-3 महीने पहले क्वेश्चन पूछा था क्या, अभी तो बारिश शुरू हो चुकी है। फेवरेट टीचर या फिर हेटेस्ट टीचर? तो दोनों ही नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे यहाँ तो मुझे सब लोग परफेक्ट लगते हैं उनकी जगह पर। सब्सक्राइबर्स लिस्ट दिखाओ। इस वीडियो के अपलोड होने के 1-2 दिन बाद आप फिर से वीडियो को ओपन करना एंड कमेंट सेक्शन देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा वही है सब्सक्राइबर लिस्ट। क्रोम हिस्ट्री, उसमें भी मैंने YouTube स्टूडियो ओपन किया है तो आपको इनकम रिवील हो जाएगा। कितनी बार न्यू टैब ओपन किया है क्रोम में? तो जब भी मुझे थंबनेल के लिए कोई भी इमेज डाउनलोड करना रहता है तब भी मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। योर एज 17 ईयर्स, इतनी अच्छी एडिटिंग कैसे? तो भाई वो तो मुझे भी नहीं पता, शायद 3 साल का एक्सपीरियंस है इसीलिए, बाकी एडिटर को पता। अरे ये क्या बोल दिया। फेवरेट ई-स्पोर्ट्स? तो सच बताऊं तो मैं नहीं देखता। फेवरेट हीरोइन? तो वो तो फ्यूचर में आएगी। अरे फेवरेट हीरो? तो स्मार्टीविंग्स करके एक बंदा है, उसका चैनल देख लेना, वही फेवरेट हीरो है। कोई बेस्ट फ्रेंड? तो उसका नेम मैं कभी और बता दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज, पर कभी और। धोखा मिला है कभी? भाई वो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी और दिन बता दूंगा मैं। घर में गाली सुनते हो? हाँ भाई, ये वीडियो बनाने के बाद मिलने वाली है, क्योंकि 4 घंटे से मैं बैठा ही हूँ। हाउ टू मेक पिज्जा? वो आता तो भाई मैं होटल में क्यों जाता। लास्ट क्वेश्चन, लूसीफर वॉज इनोसेंट? इसका तो एक ही आंसर है मेरे पास, अच्छी नजर से देखोगे तो सब लोग इनोसेंट दिखेंगे। अरे अरे आगे का तो डायलॉग ही याद नहीं आ रहा मुझे, बस खत्म हो गए। बस 42 क्वेश्चन, भाई इतना कम क्यों पूछा, थोड़ा ज्यादा ही पूछ लेते। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 2K, थैंक यू आरओजी वॉरियर, सारे क्वेश्चन पूछ लिए तो मैंने भी आंसर दे दिया ब्रो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मंकू प्लेज ने, और उन्होंने पूछा है, देखो तो कोई हंसना मत क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही हार्ड है, मैं सुना देता हूँ। देखो अभी सुनाता हूँ। बिल्लो बग्गे बिल्लिया दाकी करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दाकी करेंगी। आई थिंक अभी और आगे गया तो कॉपीराइट आ जाएगा, बाकी आप लोग यूट्यूब वगैरह जाने दो, मैं सिंगर ही बन जाता हूँ। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है राहत एसके गेमिंग की ओर से, और उन्होंने लिटरली भाई मैं जितने साल का हूँ उतने क्वेश्चन पूछे हैं, 17। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है विशाल जोशी। आपकी इनकम कितनी है? तो मैंने ऑलरेडी बता दी है। आपके फैमिली मेंबर का क्या रिएक्शन था जब आपके 2K सब्सक्राइबर हुए थे? तो भाई उन लोगों का नॉर्मल रिएक्शन था, उतना ज्यादा भी नहीं। आपकी एज कितनी है जितने आपने क्वेश्चन पूछे है? तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बैक बेंचर हो या आप मिडल बेंचर हो, और आप टॉपर तो नहीं होगे, आपसे ये उम्मीद नहीं है। तो भाई आपने गलत गैस किया है, मैं सेकंड बेंचर हूँ एंड हाँ भाई टॉपर तो नहीं हूँ भाई, बहुत ही प्यार से बेइज्जती कर ली भाई, टॉपर नहीं हूँ ऐसा। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका माइनक्राफ्ट के अलावा और कौन सा फेवरेट गेम है? तो माइनक्राफ्ट के अलावा आप लोग फ्री फायर वगैरह बोल सकते हो, क्योंकि मैंने वो खेला हुआ है। क्या मतलब अंडररेटेड, आज से बहुत ही बुरा वाला हार गया था मैं। एंड हाँ अभी बैकग्राउंड में भी मैं वही गेम खेल रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। आपके पास कोई पीसी है कि नहीं है और कब खरीदोगे? देखो मेरे पास पीसी तो नहीं, पर नेक्स्ट ईयर के एंड तक मैं लैपटॉप तो ले ही लूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई वगैरह में भी जरूर होता है उसका। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? तो आप एडिट वगैरह देख सकते हो टेक्नो गेमर्स। हाँ वैसे टेक्नो गेमर्स के अलावा भी और यूट्यूबर्स है, पर मेन तो वही है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो देखो अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, पर मेरे कुछ फ्रेंड है जो उनकी कमी पूरी कर देते है, आगे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? आपकी शादी हो गई क्या? आंसर दे दिया, समझ लो। लाइव स्ट्रीम कब करोगे? तो भाई अभी मैं 2K पर करने वाला था, पर अभी क्या ही बोलूं, थोड़ा बहुत डिले वगैरह हो रहा है, बाकी हम लोग 10K पर तो करने ही वाले हैं पक्का। आई नो कि ये बहुत ही लेट है, पर आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दोगे तो 10K भी जल्दी हो जाएगा। माइनक्राफ्ट के अलावा और कोई गेम की वीडियो आएगी क्या? तो शायद आप मेरे वीडियोस को नहीं देख रहे, मैंने बहुत सारी गेम को ट्राई कर रहा हूँ अभी के टाइम पर। तो भाई अभी और भी गेम की वीडियो आने वाली है। कैट और डॉग में से आप किसको पसंद करते हो? भाई मुझे तो दोनों ही पसंद है, पर आप लोग अभी डॉग समझ सकते हो। फेस रिवील कब करोगे? तो ऑलरेडी बता दिया मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 2K सब्सक्राइबर्स, देन थैंक यू राहत एसके गेमिंग। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंस्केप्रियो ने, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नहीं ब्रो, मैंने नमक थोड़ा बहुत निकाल दिया था एंड शुगर वगैरह ऐड किया था। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ तो कौन सा वाला नमक है? तो भाई अभी बचा कुचा नमक टाटा का है, टेस्ट मत पूछना कि कैसा आता है। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है YT हंटर की ओर से, और उन्होंने पूछा है ब्रो आपके पास कौन सा डिवाइस है? तो अभी मेरे पास है Vivo T3X5G एंड इससे पहले मैं 2GB वाले डिवाइस से वीडियो बनाता था। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है Android Extras की ओर से, एंड सॉरी ब्रो अगर मैंने गलत नेम पढ़ा है, तो आपका रियल नेम?
विशाल जोशी, आप कौन से क्लास में हो? तो अभी मैं आया हूँ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंड इंस्पिरेशन टेक्नो गेमर्स। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है उमेश जी जेड गेमर्स की ओर से। उन्होंने सबसे पहले बुलाया कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 2K, तो थैंक यू उमेश गेमर्स। उनका फर्स्ट क्वेश्चन है योर इनकम, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एंड योर नेम, तो मेरा नेम है विशाल जोशी। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है रॉयल गेमिंग की ओर से। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी कोई GF है? होती तो मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल नहीं चलाता। और इनका सेकंड क्वेश्चन है आपने यूट्यूब चैनल क्या सोचकर शुरू किया है? तो इसका आंसर यही है कि आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे फन करना बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड मैं स्मार्ट तो बहुत ही ज्यादा हूँ, एंड ये दोनों चीजें मैं यूट्यूब पर दूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, बस वही सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब, और शायद मैं गलत था। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है स्वास्तिक भाई की ओर से। व्हाट इज योर रियल नेम? मेरा नेम है स्मार्टी विंग्स। व्हाट इज योर एज? 17 इयर्स। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मैंने बता दिया। आप कहाँ रहते हो? मैं गुजरात में रहता हूँ। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? तो माइनक्राफ्ट। आप मेरे वर्ल्ड में आओगे या नहीं? तो ब्रो अभी तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जैसा कि आप लोग इस वीडियो को भी देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा लेट है, तो शायद अभी तो नहीं आ पाऊंगा। आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं? तो हाँ ब्रो, हो चुका है मोनेटाइज। डिवाइस वीवो T3X 5G। फैमिली सपोर्ट? तो हाँ सपोर्ट तो है, पर मुझे स्टडी वगैरह भी करने बोला है। यूट्यूब जर्नी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एंड इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा देना वीडियो में वरना गोली मार दूंगा। अरे भाई मैंने लगा दिया, मुझे डर लग रहा था इसीलिए तो मैंने लगा दिया। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है डेडली गेमर की ओर से। तो ब्रो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो थैंक यू फॉर आस्किंग। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस फॉर 2K सब्सक्राइबर्स, देन थैंक यू डेडली गेमर। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है क्रिकेट वर्ल्ड की ओर से, और उन्होंने बताया कि न्यू सब्सक्राइबर, देन थैंक यू फॉर सब्सक्राइब ब्रो, कांग्रेचुलेशंस फॉर 2K सब्सक्राइबर्स, देन थैंक यू क्रिकेट वर्ल्ड। एंड ब्रो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है ऑलरेडी, तो थैंक यू फॉर आस्किंग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है HK फन की ओर से, और उन्होंने पूछा है GTA 5 कब खेलोगे? तो भाई मेरे पास जब PC आ जाएगा तब मैं GTA 5 पक्का खेलूंगा। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है मोहम्मद अफाक की ओर से, एंड सॉरी अगर मैंने गलत नेम पढ़ा है तो, एंड हाँ मोबाइल कौन सा है? तो वीवो T3X 5G। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है पौर्सी मित्री की ओर से, माफ करना बहन अगर मैंने गलत नेम पढ़ा है तो। उन्होंने मुझे बुलाया है भैया मेरा क्वेश्चन को लेना प्लीज 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 भैया। तो हाँ मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो अभी इनके क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेम क्या है? तो मेरा नेम है विशाल जोशी। आप कितने ओल्ड हो? 17 इयर्स। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो मेरा ब्लड ग्रुप है, पता नहीं ये क्यों पूछ लिया, पर आप सेंपे स्पाइडर भैया को जानते हो? हाँ मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो स्मार्टी विंग्स के लोगों में जो भी सारे कलर है। आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सा है? तो मेरा फेवरेट चॉकलेट है क्रिस्पेलो, जो कि 10 रुपए का आता है वही वाला। आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? तो मेरा फेवरेट कार्टून है सिंचैन। एंड फिर भैया प्लीज प्लीज लिखा है, तो हाँ मैंने क्वेश्चन ले लिए है, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है गेमर हिल की ओर से, और उन्होंने पूछा है आपके कितने GF है? ब्रो कितने जाने दो, एक भी नहीं है। आपका एज क्या है? तो 17 इयर्स। आपके कितने बच्चे हैं? अरे ब्रो ये क्वेश्चन जाने दो, मैं आपको इससे अच्छे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि आपके कितने फेवरेट कार है और उसका नेम बताओ। देखो तो मेरी फेवरेट 4 कार का नेम ये है, रेंज रोवर, पोर्शे, BMW और हाँ रोल्स रॉयस। तो अभी हम लोग देखते हैं अपने Q&A का लास्ट क्वेश्चन। तो अपने इस Q&A का लास्ट क्वेश्चन पूछा है गेम ऑन हिमेश ने। तो इनके फर्स्ट 3 क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। चौथा क्वेश्चन है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो मैं बड़े होकर बनना चाहता हूँ यूट्यूबर या फिर गेमर। आई होप कि मैं बड़े होकर यूट्यूबर या फिर गेमर बन पाऊँ। एंड हाँ इनके लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे रखा है। और इन्होंने सबसे पहले बोला था कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 2K सब्सक्राइबर, देन थैंक यू गेम ऑन हिमेश, एंड हाँ अभी सबको थैंक यू लव एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। तो गाइस हम लोग आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कॉमेंट में 3 blue heart दिखा देना। एंड आई होप कि मैंने सारे लोगों के क्वेश्चन वगैरह ले लिए है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम लोग आज के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओ भाई Q&A वीडियो बनाते तो थक गया। एंड भाई अभी तो 3K भी होने वाला है, लगता है फिर से Q&A लाना होगा। अरे भाई अभी तक क्या देख रहे हो, जोक मार रहा हूँ, चलो बाय बाय।